लालू यादव ने सावन में खाया मटन तो अब तेजस्वी ने मछली का लुत्फ उठाया। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बीते दिनों लालू यादव ने राहुल गांधी के साथ सावन के महीने में मटन की रेसिपी तैयार की थी और उसका सेवन भी किया था। तब विवाद हुआ था कि बिहार में सावन के महीने में मांसाहार से परहेज किया जाता है, ऐसे में लालू यादव ने ऐसा कैसे किया और क्यों। बाद में लालू यादव और उनके परिवार की ओर से सफाई भी दी गई थी। अब मंगलवार को चैत्र नवरात्र शुरू हो गया है और तेजस्वी यादव ने मछली खाते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसके बाद वो सियासी तौर पर घेरे जा रहे हैं। दरअसल नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें ये देखा जा सकता है कि तेजस्वी यादव की बगल में वीआईपी नेता मुकेश सहनी बैठे हैं और दोनों नेता भोजन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि मुकेश सहनी अपने घर से छेगड़ा मछली बनवा कर लाए हैं। वीडियो में तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भुनी हुई मछली के साथ रोटी, प्याज, मिर्च और नमक भी है। इसके अलावा भीषण गर्मी में लू न लगे और चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी रहे, इसलिए भोजन के साथ सत्तू, तरबूज, बेल के शरबत के साथ मट्ठा भी बिल्कुल तैयार है। इस वीडियो में सहनी दावा कर रहे हैं कि गठबंधन बिहार की सभी 40 सीटें जीतेंगे। साथ ही भोजन के बारे में बताते हुए मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि ये वीडियो को देख काफी लोगों को मिर्ची भी लगेगी। चुनाव प्रचार के बीच एक्स मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो को अब तक काफी लोग देख चुके हैं और इस पर काफी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। गौरतलब है कि अगस्त 2023 में राहुल गांधी ने लालू यादव से मटन बनाना सीखा था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी ने इसका वीडियो अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया था और इसमें वो मटन की सीक्रेट रेसिपी के साथ साथ राजनीति के गुरु भी लालू यादव से सीखते नजर आ रहे थे। लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती दिल्ली स्थित आवास पर राहुल गांधी ने लालू परिवार संग सिर्फ बिहारी मटन का स्वाद चखा था, जिसको लेकर राजनीति भी गर्मा चुकी थी और अब तेजस्वी यादव के कृत्य से भी वैसा ही हो रहा है।